हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उस पीछे वाली आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा सीओसी के जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं गारंटी नहीं दे सकता सबको ये मालूम है कि नहीं आपको, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है। और पीछे से आने वाली आवाज़ को इग्नोर कीजिए। मैं अभी टेरिस पे हूँ, ये घर में बहुत शोर है, घर में मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता। मैं टेरिस पे हूँ और यहाँ पे टेरिस पे मुर्गे हैं, अलग पिंजरे बनके वो आवाज़ कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुन के। पहले आपकी पढ़ लिया डिस्क्लेमर, अब चलते हैं हमारे पहले फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट है हमारा, जो सीओसी की जो टीम थी वो जब शुरू हुआ, सुपर सेल ने सीओसी गेम बनाना शुरू किया, वो सबसे स्मॉलेस्ट टीम थी वर्ल्ड की जिसने इतना सक्सेसफुल गेम बनाया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, व्हेन द सिक्स ओरिजिनल पीपल हु क्रिएटेड क्लैश ऑफ क्लैंस सैट डाउन इन अ स्मॉल ऑफिस एंड स्टार्टेड प्रोग्रामिंग द गेम, वन ऑफ देम हैड अ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। देखा, यहाँ पे एक ट्रूप की बात हो रही है और ट्रूप आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। ये ट्रूप के एक्सपीरियंस मिला था, ये ट्रूप एक रियल बेस्ड आदमी के ऊपर है ये ट्रूप। देखिए, व्हेन ही ट्रैवल्ड टू द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस देयर ही सॉ मिस्टिकल बॉटल ऑफ एमटीएन डीव। ये मेरे को नहीं मालूम ये एमटीएन डीव क्या है। आइए बढ़ते हैं। विच लीड हिम टू अ रूम वेयर देयर वॉज अ मैन राइडिंग ऑन अ पिग जंपिंग ओवर वॉल्स एंड होल्डिंग अ स्लेज हैमर। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया रहेगा, राइडिंग ऑन अ पिग होल्डिंग अ स्लेज हैमर किस ट्रिप की बात हो रही है। हाँ, ये ट्रिप का नाम है हॉग राइडर। ये अपना डार्क बेरक्स का सेकंड ट्रिप है, सेकंड लेवल पर अनलॉक होता है। दिस रिजल्टेड इन हिम गेटिंग ए आइडिया ऑफ अ न्यू ट्रिप इन टू अ गेम टोल्ड एज टूडे नोन एज हॉग राइडर, इट स्टैंड फॉर होली ऑटर गट। तो यहाँ पे हॉग का फुल फॉर्म भी हमको मालूम पड़ गया, होली ऑटर गट रेनबो इग्लो डियर एलिफेंट ड्रेस्ट। वेल दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। एक आदमी ये हरकत कर रहा था, उससे ट्रूप मिल गया हमको एक नया। तो अगले फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला फैक्ट मैं आपको अभी बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ, ये जो मैंने सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं ये 8 फैक्ट है टोटल। ये पहला वाला था और ये सब मैंने रात के 2:30, 3:30 के बीच में किए थे और मैं पूरी रात जागा था। तो प्लीज़ मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए। और एक और बात, मैं भूल ही गया था कि हम लोग ने 50 सब्सक्राइबर्स टच कर लिए हैं। थैंक यू फॉर योर ऑल योर सपोर्ट और कीप सपोर्टिंग हम लोग को 100 सब्सक्राइबर्स टच करने। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है बोथ हीरोज, ये जो अपीयरेंस की तरफ से बात हो रही है, यहाँ पे अपने गेम में 2 ट्रूप्स है। जैसे कि पहले आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे है बोथ हीरोज सच एज बायरन किंग और आर्चर क्वीन भी एंड रेगुलर कैरेक्टर सच एज विजर्ड्स, जो ट्रूप्स हैं हमारे। और मगर उनकी जो ये है, उनकी दिखने की दिखता है जो कपड़ा ये सब, ये इनकी जो चेंज होती है चीज़ें, पहले लेवल 1 पे लोग ऐसे रहते हैं, फिर लेवल 3 पे इनका अपीयरेंस चेंज होता है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। इनका लेवल 3 पे चेंज होता है, फिर लेवल 5 पे ऐसा अल्टरनेटिव लेवल्स पे चेंज होता है। मगर अपने गेम में 2 ट्रूप है, यहाँ एक ही ट्रूप के बारे में बताया गया है। अपने गेम में 2 ट्रूप है जिनका अपीयरेंस हर लेवल पे चेंज होता है, वो है पैक्का और एक ड्रैगन। यहाँ पे देख सकते हैं पैक्का इज़ द ओनली कैरेक्टर, यहाँ पे ओनली लिखा है, मगर मैंने एक और वेबसाइट चेक की थी वहाँ पे ड्रैगन भी था। और ड्रैगन मैंने देखा तो हाँ, ड्रैगन का हर एक लेवल पे चेंज होता है ड्रैगन का कलर। पैक्का इज़ द ओनली कैरेक्टर दैट चेंजेस इन अपीयरेंस एट एवरी लेवल। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट व्हाट पैक्का मीन्स, पैक्का का फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ मालूम पड़ जाएगा। पैक्का का फुल फॉर्म है परफेक्टली एनरेज नाइट किलर ऑफ असैसिंस। पैक्का का ये फुल फॉर्म है तो टाउनर 8 पर खुलता है। पैक्का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रूप है, मानते हैं TH8 वो मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर पैक्का भी बहुत ओवर पावर्ड है। पैक्का एक लड़की है, जब ये बात सामने आई थी कुछ 2015 या 2016 में ये बात वायरल हुई थी कि पैक्का एक लड़की है, यहाँ पे सब शॉक हो गए एकदम। और पैक्का के पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्मर है एलेक्जर बेस्ड ट्रूप्स के इसमें मामले में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्मर है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 4। अगर आपने देखा होगा
तो एक एड निकली थी क्लैश ऑफ क्लैंस की 2015 में, वो एड सुपर बाउल एक इवेंट समझ लिए, उसमें सबसे ज़्यादा देखे वाली एड थी जो रिवेंज, जब आप देखते रिवेंज बटन होता है अपने आपके डिफेंस लॉग में, वो 2015 में आया था, तो उसके ऊपर एक ऐड बनी थी। उसमें नीसन ऐसा कुछ तो नाम का एक एक्टर है, उसने काम किया था। वो ऐड सबसे ज़्यादा देखी गई थी हमारे सबसे सुपर बॉल में देखी गई थी, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं पूरा पढ़ के नहीं, हाँ इसका नाम नीसन से, तो आप मैं पूरा पढ़ के तो नहीं बता सकता, मगर आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 5। तो फैक्ट नंबर 5 ये है कि सुपर सेल ने 2011 में ऐड किया था डार्क लिगजर गेम में, मगर जब ये डार्क लिगजर ऐड हुआ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सुपर सेल्स को। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, बहुत इजीली सॉल्व हो गई, मगर काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी, और जिससे सुपर सेल को गेम थोड़ा रोकना पड़ा रिलीज़ करने से पहले। इसलिए गेम चाहे तो 2011 में रिलीज़ हो जाता था, मगर रिलीज़ हुआ 2012 में, क्योंकि जब डार्क एलिक्सर रिलीज़ हुआ, सॉरी फॉर द नॉइस, जब डार्क एलिक्सर रिलीज़ हुआ तो यूरोप के कुछ प्रोटेस्टर्स थे, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देयर वेयर प्रोटेस्टर्स इन यूरोप कंप्लेनिंग दैट देयर वॉज अ वाटर स्टोरेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रूव दैट द डार्क लिक्विड्स केम फ्रॉम द फायर इन स्प्रिंगफील्ड। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी सुपर सेल को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी है। बहुत गेम पहले ही रिलीज हो जाता था, मगर 2012 में आना पड़ा। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, अगला फैक्ट नंबर 6 है ना, 6 होएगा। पढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट टॉप 1 रैंक प्लेयर आप लोग को मालूम ही होंगे, इन्हें तबाही मचा दी थी पूरे गेम में, जॉर्ज योंग। ये एक जापानीज है या मेरे को नहीं मालूम इनके कहाँ के प्लेयर हैं, मगर ये इतने अच्छे प्लेयर थे। ये प्लेयर 5 आईपैड्स पे क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था, एक ही आईडी रहती थी, मगर एक पे आप देखेंगे तो 8 घंटे के बाद आपको वो दे देगा, ब्रेक दे देगा, आपको बोलेगा ब्रेक लो। तो जब वो फ़ोन में ब्रेक आता था तो दूसरे फ़ोन से खेलना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे 5। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हैड 5 अकाउंट्स, अकाउंट्स इनके बहुत सारे थे, एंड ही प्लेड अराउंड द क्लॉक, मतलब 24 घंटे खेलते थे। और जब ये शावर लेते थे तब ये अपने आईपैड अपने एक थैली में भर के, मतलब एक रैप प्लास्टिक बैग में बांध के शावर में ले जाते थे, तो शावर में भी खेलते थे। तो आप समझ सकते क्लैश ऑफ क्लैंस का क्रेज़ कहाँ था, क्लैश ऑफ क्लैंस वॉज लाइक द अल्टीमेट गेम। अब यहाँ पे पबजी आया तो क्लैश ऑफ क्लैंस थोड़ा रुक गया, 2016 में 2016 तक क्लैश ऑफ क्लैंस इतना तबाही मचा रहा था इंडिया में, और जब पबजी आई सुपर सेल वालों की, ये सुपर सेल वालों को डर लगा, तो सुपर सेल वालों ने इंडिया में सुपर सेल इंडिया लाया, इसलिए क्लैश ऑफ क्लैंस अभी भी चल रहा है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 7। तो ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सुपर सेल वॉजेंट, क्लैश ऑफ क्लैंस वॉजेंट सुपर सेल्स फर्स्ट गेम। देखा, यहाँ पे सुपर सेल का एक पहले भी एक गेम था, क्लैश ऑफ क्लैंस पहला गेम ही था सुपर सेल का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वाई क्लैश ऑफ क्लैंस वॉज द गेम दैट मेड सुपर सेल वर्ल्ड फेमस एंड द एनवी ऑफ ऑल इंडी गेम डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड। देयर फर्स्ट गेम वॉजंट मेड द वर्ल्ड फेमस, क्लैश ऑफ क्लैंस पहले ही फेमस नहीं हुए थे, उनका एक गेम था gunshine.net करके, उनका एक zombie गेम था, zombie टाइटल गेम था, वो पहला गेम था, मगर फिर उसमें गेम वो उससे सुपर सेल बहुत फेमस हो गया, मगर वो गेम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो इसलिए वो गेम ये नहीं हो पाया, उसको हटाना पड़ा। काफ़ी वो था गेम, फ़ोन पे अच्छे से नहीं चलता था, तो इसलिए उस गेम को हटाना पड़ा। बोलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ, लास्ट फैक्ट ये है कि सुपर सेल ने iOS में August 2 को 2012 में निकाला था, जहाँ सबका कहना है कि 2012 में ही सब जगह निकल गया था, नहीं, iOS में सिर्फ 2012 में आया था, और 2013 अक्टूबर 7 को ऑलमोस्ट क्या एक साल के ऊपर ही हो गया, एक साल के ऊपर होने के बाद सुपर सेल ने ये गेम एंड्रॉयड में लॉन्च की, जहाँ फिर ये गेम बूम हुई
और इंडिया से बहुत सारे डाउनलोड्स मिले इसको। तो आज के ये थे कुछ ऑसम 8 फैक्ट्स विच ओनली फ्यू पीपल्स नो। तो ऐसे ही और फैक्ट्स या और गेम प्लेस जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाइक किए। अगला गोल है हमारा 100 सब्स, 50 सब्स से पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ पे अगर आपको कुछ शक हो, मैंने रात में रिकॉर्ड नहीं किया था, आप टाइम देख सकते हैं कि 3:30 हो रहा है रात का। तो बहुत मेहनत करता हूँ, आप प्लीज़ देखिए मेरे वीडियोस, लाइक किए, सब्सक्राइब किए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं जानता हूँ 10 मिनट का वीडियो हो गया, मगर क्या कर सकते, फैक्ट्स थे तो लंबा हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।